एंड वेलकम टू वर्सटाइल म्यूजिक अकेडमी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्ट्रमिंग के साथ गाना कैसे गाएं। ये काफ़ी बिगनर लोग इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो साथ में गा नहीं पाते हैं, साथ में सिंक नहीं हो पाता है, टाइम पे कॉर्ड चेंज नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके पहले वाले लेसन में हमने सीखा था कि आपको स्ट्रमिंग करते करते कॉर्ड्स कैसे चेंज करनी है। इस लेसन में हम लोग करेंगे, मैं समझता हूँ कि वाला आप कर चुके होंगे, तो अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि उसके साथ में हम लोग गाएंगे कैसे। ठीक है, तो बेसिक आपको जो करना है, पहले आपको कोई भी जो कॉर्ड रूप ले रहे हैं आप या जो भी गाने में कॉर्ड्स आ रही हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपके गाने में कौन कौन सी कॉर्ड्स आ रही हैं। स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करता हूँ कि जितनी कम कॉर्ड्स पर आप गाना करेंगे उतना ईजी रहेगा आपके उसको उसके साथ आपको सिंक करना। ठीक है, तो देखते हैं सी कॉर्ड या ई माइनर, सी और डी ले लेते हैं, पिछले लेसन में भी हम लोगों ने वही यूज़ की थी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप बाद में कोई भी कॉर्ड कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज करो ई माइनर ले लिया, अब मेरे गाने के अंदर डी भी आ रही है सी भी आ रही है, लेकिन आपको ई माइनर पे स्टिक करना है। उसके बाद आपको स्ट्रमिंग देखनी है, तो आपने कोई भी स्ट्रमिंग ले ली, सपोज अब आपको कोई भी गाना गाना है, सपोज अभी मैं इंतहा मेरे दिमाग में आ रहा है, तो हम लोग वो गाने से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, पहले कॉर्ड लगानी है, और यानी स्ट्रमिंग आपके दिमाग में एकदम अनकॉन्शियस हो जानी चाहिए। जब आप बोल पाएंगे ना स्ट्रमिंग करते करते, तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ गा भी पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि बस उस पर हमिंग करनी है, गाना नहीं है गाने को। आपको सिर्फ उस पर हमिंग करनी है और आपको आपकी स्ट्रमिंग कंटिन्यू रखनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाना सुनते ही नहीं है, कॉर्ड्स याद ही नहीं होती है, हाथ में आया ही नहीं है, आपको अनकॉन्शियस हुआ ही नहीं है, वो बजाते बजाते आप कुछ उसके कोई सेकंड थॉट भी नहीं ला सकते, वो बोलते हैं मैं गाना नहीं आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहले आपको जितनी हो पहले स्ट्रमिंग को एकदम घोट लो, जैसे हमने पिछली बार स्विचिंग देखी थी, तो वो स्विचिंग को भी अच्छे से करो। पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक फिंगर उठा के कर रहे थे, अब अगर कुछ लोगों से वो एक साथ भी होने लगेंगे। ठीक है, तो पहले आपको गाना बहुत अच्छे से सुनना है, स्ट्रमिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दोनों हाथ जब सिंक में आ जाएंगे उसके बाद आपको एक सिंगल कॉर्ड लगानी है और उसके ऊपर हमिंग करनी है। ठीक है, कोई भी गाना हो सकता है वो, उसमें जैसे अगर सपोज करो मैं सी से बजा रहा हूँ, तो आप इसमें सपोज मैंने सी कॉर्ड ले ली, स्ट्रमिंग वही है डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, कब इसमें भी कॉर्ड चेंज नहीं कर रहा हूं, उसमें सिर्फ हमिंग करूंगा। या दो कॉर्ड में जितने में आप कंफर्टेबल हो उतनी कॉर्ड्स यूज कीजिए, ये नहीं कि अभी गाने में कौन से ओरिजिनल कॉर्ड्स हैं या कितनी सारी कॉर्ड्स हैं मुझे सारी कॉर्ड्स यूज करनी है, नहीं, सिंगल कॉर्ड यूज कीजिए, उसके साथ आप सिंकिंग करने की कोशिश कीजिए। एक सिंगल कॉर्ड पे आ गया उसके बाद बाकी सब पे भी आ ही जाएगा, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको सारी जो भी गाना है वो भी सुन सुन के अनकॉन्शियस करना है, स्ट्रमिंग पार्ट भी अनकॉन्शियस करना है, जो आप स्विचिंग कर रहे हैं बीच में वो भी पूरी अनकॉन्शियस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग इंतहा गाना देख रहे थे, उस गाने में बेसिक अभी हम लोग तीन कॉर्ड यूज़ करते हैं, ई माइनर सी और डी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंतहा हो गई इंतजार की, तो इसमें क्या करना है, अगर आपसे एक साथ कॉर्ड नहीं लगती है या आप एक साथ पूरी सारी फिंगर चलाने जाते हैं सब गड़बड़ हो जाती है, तो सेम अप्रोच जो हमने पिछले लेसन में की थी वही लेंगे, इंतहा हो गई इंतजार की। आपको एक एक फिंगर लगानी है, मैंने लगाई, अब जब मैं सी पे आ रहा हूं तो थर्ड सेकंड फर्स्ट, अभी हमारा टारगेट गाना है इसके साथ, तो अगर आपसे डायरेक्ट लग जाती है तो
बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो आपको सिंगल सिंगल फिंगर लेके आना है, अभी आपको सिर्फ उसके साथ गाना गाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, बहुत सारे गाने अवेलेबल हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, हमारे खुद के अपने चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे गाने जो मैंने बहुत इजी कॉर्ड उसमें कवर किए हैं, जैसे एक प्यार का नगमा है या एक अजनबी हसीना हो गया है, अपना दिल तो आवारा हो गया, ये भी काफ़ी इजी सॉन्ग्स हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाने के अगर गिटार के साथ आपको गाना गाना है तो उसकी सिंपल 3 स्टेप है, फर्स्ट आपकी स्ट्रमिंग और आपकी स्विचिंग कॉर्ड्स की, ये एक साथ हो जानी चाहिए और ये अनकॉन्शियस हो जानी चाहिए, मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी है उसकी। सेकंड, आपको गाना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। थर्ड, आपको सिर्फ स्ट्रमिंग करनी है सिंगल कॉर्ड पे और उसके साथ हमिंग करनी है पूरे गाने की, अगर आपने एक कॉर्ड पे आ गया तो बाकी सारी कॉर्ड्स पे आ ही जाएंगी, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, उसके साथ आपको हमिंग करनी है। और फोर्थ जो हमारा फाइनल स्टेप रहेगा, आपको कॉर्ड्स चेंज करनी है और उसके साथ गाना गाना है। सुनने में देखने में इसी लगता है, आई नो वो टफ है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर टाइम दीजिए उसमें, वो धीरे धीरे करके आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर्सनल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आप मुझसे 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और क्या डाउट लगते हैं मुझे बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपके नए फ्रेंड्स या फैमिली में जो गिटार सीखना चाहते हैं उनको हमारी वीडियोज़ फॉरवर्ड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।